चुनावी नतीजों पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, नतीजे कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हैं, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तेलंगाना में देखते हैं कितनी मोहब्बत की दुकानें खुलती हैं, ओवैसी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। और ये कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कांग्रेस को अब मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये जो तीन स्टेट के डिसीजंस आए हिंदी हार्टलैंड के, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, इनके लिए एक क्या बोलना चाहिए उसको, सही लफ्ज क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं ये उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए, क्योंकि 65 लोकसभा की सीट है उसमें, 65 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 65 में से मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक कमलनाथ साहब के बेटे जीते थे, राजस्थान तो कंप्लीट वाइप आउट था, और छत्तीसगढ़ में शायद एक या दो जीते थे मैंने, बीजेपी 63 सीट जीती थी वहां पे लास्ट टाइम, तो यकीनन इनको ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है। ये तीन स्टेट्स में आप एकदम तो पावर में थे आप, तो अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती नहीं मालूम। Z News.